तो यार मेरे चैनल पे GTA San Andreas के GFX मोड और GTA Vice City के GFX मोड को बहुत ज्यादा प्यार लोग दे रहे हैं, और उसके अलावा यार GTA 3 को अभी तक मैंने GFX की वीडियो नहीं लाया हूँ, तो यही वो वीडियो है जहाँ पे आपको GTA San Andreas का नहीं, GTA Vice City का अलग मोड नहीं, GTA 3 का एक बहुत ही अच्छा GFX का मोड मिलने वाला है। ये GFX का मोड में आपको PC सेटिंग्स को देखने के लिए मिल जाएगी, और उसके अलावा यहाँ पे आपको GFX आपको अल्ट्रा ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे अपने GTA 3 के गेम के अंदर। अब आप लोगों में से अगर जिन्होंने ये वाली वीडियो इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर के ज़रूर देख लो, और वहाँ पे जाकर के आप वही वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसी वर्जन में और उसी गेम के अंदर आपको इस वाले GFX का सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके पास GTA 3 का दूसरा नेटफ्लिक्स का वर्जन है डेफिनेटिव एडिशन का, तो आपको उसे डिलीट कर देना है, क्योंकि दिस GFX मोड विल ओनली work on that version which I have upload on my channel. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप जाकर के GTA 3 को वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्ले कर सकते हो। आपको यहां पे इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जी हां, बिना इसके आप जो है पूरा GTA 3 को खेल पाओगे और इस वाले GFX को इंस्टॉल कर पाओगे। नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि ये वाला GFX ना PC सेटिंग्स के साथ में आता है। आई डोंट रिकमेंड यू कि अगर आपके पास अच्छा फोन नहीं है आप इस वाले मोड को डाउनलोड प्लीज मत करना, क्योंकि ये गेम बहुत ज्यादा लैग करने वाला है। भाई मैंने अपने स्नैपड्रैगन 665 वाले फोन के अंदर इस वाले मोड पे को ट्राई किया, इस वाले GFX को ट्राई किया, और उसके बाद में बहुत ज्यादा लैग हुआ था। मे बी हो सकता है कि ये GFX मोड इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज ना, बट इनके क्रिएटर का जो क्रिएटर है जिनका रेट जाता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप उनको जाके भी सपोर्ट कर सकते हो। बट उसके अलावा अभी हो सकता है फ्यूचर में इस GFX के या और भी GFX के अपडेट आते रहे तो मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करता रहूंगा। फिलहाल के लिए अभी आप इस वाले GFX को ट्राई कर सकते हो, जो कि आपके GTA 3 को पूरा चेंज कर देगा, पूरा का पूरा आपको GTA 3 को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और कुछ लोग मेरे को बोलते भी है कि यार ये GTA 3 का GFX क्या हमारे नॉर्मल GTA 3 के अंदर चलेगा या फिर ये एक अलग गेम है, तो मैं उन लोगों को बता दूं यार GTA 3 ट्रायलॉजी डेफिनेटिव एडिशन का और GTA 3 नॉर्मल वाले में बहुत ज़्यादा फर्क है, दोनों गेम अलग है, और दोनों गेम अलग होने के बाद में दोनों के जो मोड पैक होंगे वो भी अलग होंगे। तो प्लीज़ आप दोनों को कंबाइन मत करो। अगर आपको ये नहीं पता है कि GTA San Andreas नॉर्मल और GTA डेफिनेटिव का एडिशन का दोनों में फ़र्क क्या है, मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे डिफरेंस बिटवीन दोनों गेम के ऊपर, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। ओके गाइस, मिस्टर सैफरन चैनल के आपका स्वागत करता हूँ मैं, एंड इस चैनल पे आपको GTA रिलेटेड कंटेंट और अदर गेम्स रिलेटेड कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसके अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है जो कि मैं अपने वीडियोस के अंदर भी नहीं देता हूँ। जितने आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में जितनी वैल्यू नहीं मिलेगी उतनी वैल्यू आपको वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद मिलेगी, क्योंकि भाई ढेरों लिंक्स वहाँ पर रहते हैं, आप जाकर के वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को जो है डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पर हम अपडेट भी करते रहते हैं कि क्या कॉन्टेंट आने वाला है। तो आप वहाँ पे जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को। हमने अभी करीब 400 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि उसको और भी मैं आगे बढ़ाऊँ, और वहाँ पे हम अच्छी कम्युनिटी को क्रिएट करें जहाँ पे हमारे पास में यार सपोर्टिव लोग हो और ऐसे इंथुजियास्ट हो गेमर्स जो हर रोज़ नया नया गेम डाउनलोड करना चाहते हैं या GTA रिलेटेड नए नए मॉडिफिकेशन चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप चैनल को देख सकते हो, बहुत सारे कंटेंट आते हैं। फिलहाल अभी ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ गेम प्ले इंस्टॉलेशन के ऊपर मैं आता हूँ। तो गाइस सिंपल सा इंस्टॉलेशन मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको इस वाले GFX को अपने गेम के अंदर डाउनलोड कैसे करना है, मतलब इसको इंस्टॉल कैसे करना है। अब मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ना वो मैं YouTube पे नहीं दिखा सकता, तो व्हाट आई विल डू कि मैं उसका इंस्टॉलेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख करके अपने गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, एंड उसके बाद में यू आर गुड टू गो। आपको यही ग्राफिक्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो और जो कि आपके फ़ोन के अंदर अच्छे प्रोसेसर होना चाहिए। ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन का अच्छे प्रोसेसर है या अच्छे डिवाइसेस है जिसमें फ़ोन आपका रैम अच्छा है, प्रोसेसर अच्छा है और आप गेम को अच्छे से खेल सकते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ और गेम को डाउनलोड करो, इन्जॉय करो। किसका वेट कर रहे हो,
टिल देन मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, क्योंकि आप क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ आजकल अपने चैनल पे। और उसके अलावा अगर आप गेमिंग इंथुजियास्ट हो, GTA रिलेटेड कंटेंट देखते हो या फिर और भी अच्छे गेम्स रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, मुझे आप कमेंट्स में जा करके सजेशन भी दे सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। और यार कमेंट में एक हार्ट लिखने से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक हार्ट ज़रूर लिख देना या फिर कोई भी अच्छा पॉजिटिव कमेंट कर देना, जिससे लोगों को पॉजिटिव मैसेज पहुँचे वीडियोस के बारे में और जो मैं फाइल्स और गेम्स प्रोवाइड करता हूँ उनके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिचिनेश सोनी फ्रॉम मिस्टर सैफरन YT साइनिंग आउट।